कोलेद गांव के पास में ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं, ये जो ज़मीन है ये जो सरकार से लीज पर ली गई है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे ज़मीन, ये निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन पर सरकार से लीज पर लेकर के यहाँ पर पत्थर निकाले जा रहे हैं। ये एकमात्र मतलब एक हमको जगह मिली है जहाँ पर एक नंबर में काम हो रहा है, जहाँ सरकार से परमिशन लेकर के काम हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत लेकिन यही है कि हमको इस इलाके में एकमात्र बस यही जगह मिली है। ये मैं अपने पीछे जो दिखा रहा हूँ यही जगह, और ये जो जगह है जिन्होंने लीज पर कराई है मेरे साथ में है, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा जी, ये जमीन आपकी है वाली? हाँ जी, ज़मीन मेरी है। कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पर? पूरी ज़मीन या खदान वाली लीज? नहीं, पूरी ज़मीन। पूरी ज़मीन 20 बीघा के आसपास है। उसमें से आपने कितनी खदान पर ली है? 7.5 बीघा। 7.5 बीघा। तो जो लीज रेंट मिला है ये आपको, ये कितने साल के लिए मिला है, कब मिला है? 10 साल के लिए मिला है। कब लिया था आपने? तकरीबन 1 साल के आसपास हुई है। 1 साल के आसपास हुई है। तो अभी यहाँ पर आपको कोई असुविधा होती है क्या? कोई असुविधा होती है? लोग जो भारी लोग पत्थर निकालते हैं उससे। अच्छा, तो मतलब वो जा करके आपसे सस्ता बेचते होंगे क्योंकि आपको लीज रेंट भी भरना पड़ा है ना? जी, तो आपको थोड़ा महंगा रहता होगा, वो सस्ता बेच देते होंगे। तो सस्ता बेचते हैं। अच्छा, अवैध कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन वगैरह वो उनको रोकता नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो, जो पत्थर क्यों निकाल रहे हो अवैध तरीके? कोई नहीं रोकता। नहीं रोकते हैं? नहीं। इससे आपको दिक्कत हो रही है ना? इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ आप ही के पास में यहाँ पर लीज रेंट है? जी, और किसी के पास भी नहीं? किसी के पास नहीं, सब अवैध तरीके से। सब? अच्छा, लगभग कितनी ट्रॉलियाँ निकाल लेते होंगे डेली की? कम से कम जो 30 के आसपास तो ट्रॉली निकलती होंगी। कितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे? मतलब कम से कम 10-15 लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। अच्छा, जो यही आसपास के गांव के लोग? आसपास के लोग हैं। आसपास के गांव के लोग ही? आपको इससे कितना नुकसान हो जाता है? सर हमको बहुत है इससे नुकसान, तो नुकसान बहुत नुकसान है। शासन को भी नुकसान है इससे? शासन को भी नुकसान है क्योंकि उनको जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। वो नहीं मिल पा रही है ना? रॉयल्टी वगैरह कैसे काटते हैं? कैसे कैसे कटती है? ऑनलाइन कटती है। ऑनलाइन कटती है जी। तो ये आप देख रहे हैं, क्या नाम बताया था? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, ये मुकेश शर्मा जी हैं जिनकी ये ज़मीन है जहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं जो पत्थर की जो खदान है। और ये इसके पीछे आप जो मेरे पीछे जो इस समय आप देख रहे होंगे जहाँ खेती की ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन इन्हीं की है। इनकी साइड में लगी हुई है 20 बीघा करीबन ज़मीन थी, जिसमें से जो काफ़ी हद तक जो ज़मीन है वो अभी इन्होंने अपने किसानी के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी का जो है वो यहाँ पर पत्थर निकाले जा रहे हैं। और ये इन्होंने सरकार से बाकायदा इसकी लीज रेंट लेकर के ये जो काम कर रहे हैं, इनकी जो यहाँ पर ट्रॉली भर रही है और जो भी हो रहा है। और इसी खदान के पास में जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बगैर सरकार को रॉयल्टी दिए हुए, बगैर सरकार से लीज कराए हुए अवैध रूप से पत्थर का खनन हो रहा है। कई जगह पर पत्थर निकाले जा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से जगह जगह पर गड्ढे हो रहे हैं और उन गड्ढों से मैं जो हो रहे हैं वो पहाड़ को खोद करके वहाँ से पत्थर को निकाला गया है। जो मजदूर काम करता है उसको तो मजदूरी मिलती है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़े स्तर पर वो लोग उठाते हैं जो सरकार को राजस्व में और इस जो रॉयल्टी अपन जिसको बोलते हैं उसमें काफ़ी इसमें एक तरीके से कह सकते हैं चूना लगा रहे हैं। और सरेआम यहाँ पर दिन में अवैध पत्थर का खनन हो रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी बनती है वह भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ले दे के मामले को आगे बढ़ा देती है और वो ट्रॉली आगे चली जाती है और आगे जाकर के वही ट्रॉली हम लोग सरकार जो वहाँ पर शहर में लोग हैं वो खरीद लेते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं पूछते कि इसकी आपके पास लीज रेंट है कि नहीं, आप इसकी रॉयल्टी आप भरते हैं कि नहीं। हमारा काम होता है मकान बनाने के लिए पत्थर चाहिए, हम खरीद लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, उनसे भी हम बात करेंगे।